हेलो एवरीवन, तो आज के इस नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक केस स्टडी जो कि एक कंपनी पे बेस्ड है और उसका नाम है मनपसंद बेवरेजेस लिमिटेड। हमने इस कंपनी के बारे में तो आजकल बहुत सुना होगा क्योंकि ये चर्चा में चल रही है पिछले एक साल से। अलग अलग रीजंस के कारण ये चर्चा में रही है। तो आज हम इस केस स्टडी में देखने वाले हैं कि ऐसी कंपनीज में मतलब ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं, इससे किसको नुकसान हो रहा है और इस पे किसको क्या एक्शन लेने चाहिए, और अगर कोई इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो उस पे उसको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो आज हम ये सब इसकी पूरा स्टडी करेंगे कि इस कंपनी में एक्चुअली हुआ क्या, कौन इसके पीछे था और इसमें क्या इसमें कंट्रोल किया जा सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये कंपनी किस बारे में है, क्या करती है। मनपसंद बेवरेजेस है, ये 1998 में धीरेंद्र सिंह ने इसको फाउंड किया था और इसने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया था 1998 में ही, जिसका नाम था मैंगो सिप, जो कि अभी भी आता है और इसका बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। जो इसकी टोटल सेल्स है उसका 85% ऑफ द टोटल सेल ये मैंगो सिप से इसकी सेल आती है। तो ये लगा लीजिए कि जो इसका मेन फोकस है अपना मैंगो मैंगो ड्रिंक्स पे ही है, जिससे इसकी 85% ऑफ द टोटल सेल आती है। ठीक है, जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो यूनिट्स है वो वडोदरा में है एक, तो जो कि गुजरात में है, एक वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और एक देहरादून इन उत्तरांचल में है। ठीक है, इसकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो यहाँ पे है। और इसमें एक बार ये था कि ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई थी कि मतलब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया था। मतलब 2017 में तो इसका शेयर प्राइस कुछ मेरे जहां तक याद है 470 480 के आसपास चल रहा था और मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5000 से ऊपर था। तो ऐसी कंपनी जो कि अब अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो इस कंपनी का लगभग 1000 करोड़ यानी कि 800 से 1000 करोड़ के बीच चल रहा है। और अपने देखेंगे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये तो जबकि बात है, मेरे को लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने में मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब 5000 करोड़ रुपए की वो कंपनी रह जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या हुई। इसमें सबसे पहले गड़बड़ स्टार्ट हुई जब 2018 मई में डिलोइट ने एज ए ऑडिटर इसको रिजाइन किया था। जो इसके ऑडिटर थे डिलोइट, मैं आपको बता दूं कि जो अपने बिग फोर ऑडिटर है उनमें से एक डिलोइट है, उन्होंने इसको रिजाइन किया था ऑडिटर से मई 2018 में। तो जब हम इसमें देखते हैं तो एक सेक्शन होता है कंपनीज एक्ट में, एज पर सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें जो ऑडिटर जब रिजाइन करता है तो उसको ना एक स्टेटमेंट देना होता है और उसमें सब कुछ बताना होता है कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो, उसके क्या कारण है, आपको सारे फैक्ट्स आपको बताने पड़ते हैं विद इन 30 डेज। ठीक है, तो जब ये ऐसा किया डिलोइट ने ऐसा किया तो उन्होंने क्या रीजन दिया, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये लिखा था, मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ कि क्लियर वर्ड्स उन्होंने दिए थे। इन इट्स रेजिग्नेशन लेटर डिलोइट सेड Significant information requested by it at various points in time was not provided. There has no further progress with respect to the pending information, evidences, and explanation. Therefore, it is unable to complete the statutory audit for the year ended 31st March 2018. यानी कि ये एक बहुत ही uncommon है कि कोई half way में auditor resign कर रहा है, ये वो भी एकदम अकाउंट फाइनलाइजेशन से पहले, यानी कि आप मई में रिजाइन कर रहे हो और आपको अकाउंट फाइनल करने हैं, मतलब वो टाइम एकदम अकाउंट फाइनलाइजेशन का टाइम होता है और वहां जाके आप अगर रिजाइन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसमें बड़ा हुआ है। और जब डिलोइट ने ये लिखा तो उन्होंने जस्ट ये कह के बता दिया कि वो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन कुछ उनसे मांगी गई थी वो उन्होंने प्रोवाइड की थी। अभी कौन सी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो किसी को नहीं पता, बस उन्होंने तो ये कह दिया कि एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैनेजमेंट ने नहीं प्रोवाइड की, इसलिए हम उससे रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर इस पे मनपसंद का जो स्टेटमेंट आया, मनपसंद के मैनेजमेंट का जो स्टेटमेंट आया उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि उन्होंने क्या बोला। मनपसंद स्टेटमेंट वॉज
इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैड टू पार्ट वेज विथ आवर लॉन्ग टर्म एसोसिएट दैट द डिसीजन वॉज टेकन बाय द मैनेजमेंट आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन ओके एंड इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर. अच्छा कहीं से भी नहीं लगा मेरे को कि ये बेस्ट इंटरेस्ट था शेयर होल्डर्स के लिए. दैट द टाइमिंग ऑफ दिस इवेंट इज प्योरली कोइंसिडेंटल incidental and has no direct correlation, but this is just a minor hiccup and doesn't represent any long-term business impact. यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये जब न्यूज आई थी तो इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा गिर गया था एक महीने के अंदर और मैनेजमेंट इसको बोल रहा है माइनर हिकअप. ठीक है, और एक डिलोइट जैसा ऑडिटर जो आपके साथ था इसके आईपीओ आने के आईपीओ आया था 2015 में जब से आपके साथ बना हुआ था और वो अगर ऐसे बीच में रिजाइन कर देता है और वो भी जब आपके फाइनेंशियल्स आने हो उससे पहले रिजाइन कर देता है तो आप उस इवेंट को माइनर हिकअप कैसे बता सकते हो कि मतलब इतना बड़ा ही इवेंट हो गया तो आपके लिए वो माइनर हिकअप है. ठीक है, और वो भी बोल रहे हैं कि हमने पूरा कंसल्टेशन किया सब कुछ किया. अगर आपने कंसल्टेशन किया तो मतलब डिलोइट जैसा ऑडिटर अगर आपने राइट वे में कंसल्टेशन किया होता तो वो पक्का आपको बीच में तो नहीं छोड़ के जाता, ये तो हम कह सकते हैं. तो ये तो रही डिलोइट की बात. फिर उनको था कि भाई ऑडिट तो करवानी कंपल्सरी है तो फिर उन्होंने अपॉइंट किया न्यू ऑडिटर जिनका नाम था मेहरा गोयल एंड कंपनी. अब मेहरा गोयल एंड कंपनी को उन्होंने अपॉइंट तो किया लेकिन एज पर द आईसीआई रूल्स उनको क्या होता है कि प्रीवियस ऑडिटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है तो वो उन्होंने शायद ले लिया होगा और उसमें क्या लिखा है वो वी डोंट नो. तो उन्होंने वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया और उसकी फिर ऑडिट की और फाइनेंशियल्स उन्होंने प्रोवाइड किए, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स उन्होंने दिए. ठीक है, बाद में इसमें एक और गड़बड़ जो सामने आती है जब हमने इस केस को स्टडी किया तो हमें मिला कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटिव पार्टी की भी कुछ न्यूज थी. मतलब मैं आपको बता दूं, पढ़ के बता देता हूं कि उसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज मनपसंद बेवरेजेस हैड फेल्ड टू डिस्क्लोज इन इट्स ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दैट सत्यानंद सिंह एंड रेनू सिंह डायरेक्टर एट हंसराज एग्रो फ्रेश वर रिलेटेड टू द कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह. यानी कि जो डायरेक्टर थे हंसराज एग्रो फ्रेश, यानी कि हंसराज एग्रो फ्रेश जो है वो भी एक बड़ी कंपनी है और वो मनपसंद की कॉम्पिटिटर है. तो जो उसके डायरेक्टर थे ना वो रिलेटेड थे, मैनेजिंग डायरेक्टर जो धीरेन्द्र सिंह थे मनपसंद बेवरेजेस के वो उससे रिलेटेड थे. तो उसमें एक सेबी की कंप्लायंस होती है कि अगर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, सेबी रिक्वायर्स कंपनी प्रमोटर्स टू डिस्क्लोज इफ दे और देयर फैमिली मेंबर्स आर इन द बोर्ड ऑफ एनी कंपीटिंग बिजनेस. तो हंसराज एग्रो फ्रेश इज ए कॉम्पिटिटर ऑफ मनपसंद बेवरेजेस तो उनको बताना चाहिए था, डिस्क्लोज करना चाहिए था, तो उन्होंने ऐसा डिस्क्लोज किया ही नहीं था. मतलब आप ऐसी इंफॉर्मेशन आप कैसे छुपा सकते हो. तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि सेबी का भी इसमें फॉल्ट था कि अगर कुछ ऐसी बात आती है तो ये पब्लिक के सामने आनी चाहिए थी. ठीक है, फिर हम थोड़ा सा और स्टडी करते हैं और इसके फाइनेंशियल्स में जाते हैं. और जब इसमें थोड़ी दिक्कतें स्टार्ट हुई थी तो वो 2018 था, मतलब मार्च 2018 मई 2018 में थोड़ी प्रॉब्लम्स हमको जानने को मिली थी. तो जब सितंबर का रिपोर्टिंग पीरियड आया था और जब उनके फाइनेंशियल्स आए थे, क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आए थे, तो उनमें कुछ नेगेटिव्स आए थे कि हम ऐसे पता लगा सकते थे कि उसमें क्या पता लगा था. उसमें पता लगा था कि जैसे कि हमने देखा कि एक तो वर्सनिंग ट्रेड साइकिल रिसीवेबल्स, यानी कि उसके जो वर्सनिंग ट्रेड साइकिल रिसीवेबल्स का मतलब क्या हुआ कि जो पैसे आने चाहिए थे, मतलब जैसे डेटर का अपने ने 60 दिन का पीरियड रखा है कि 60 दिन के अंदर कोई भी डेटर होगा तो उससे अपने को पैसे मिल जाने चाहिए, लेकिन वो पैसे लंबे टाइम पे जा रहे थे. यानी कि 60 दिन का अगर कंपनी ने फिक्स किया तो वो पैसे जा रहे थे 90 दिन 100 दिन तक वो पैसे खींच रहे थे, यानी कि 100 दिन पे अपने ट्रेड साइकिल जा रही थी. राइज इन वर्किंग कैपिटल साइकिल, यानी कि राइज इन वर्किंग कैपिटल साइकिल अपने कह सकते हैं कि जो माल अपने खरीदते थे, अपने जो रॉ मटेरियल परचेज करते थे उसके लिए जो अपने सप्लायर को पेमेंट करना था उसके पेमेंट में भी अपने डिले कर रहे थे. फिर आता है एक था एक डिक्लाइन इन डेप्रिसिएशन विथ इंक्रीज इन असेट. एक ये नहीं समझ आया कि आपने असेट अगर आप बढ़ा रहे हो डेप्रिसिएशन में कैसे आप डिक्लाइन कर सकते हो, डेप्रिसिएशन तो फिर बढ़ना चाहिए. एक वो थोड़ा सा समझने में ऐसे दिक्कत आ रही थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है अगर अपने उनके फाइनेंशियल्स को डीप में जाके देखे तो.
फिर एक था कि बोरोइंग उनकी राइज हो रही है, ऐसे तो देखने पे भी ये डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इस साल ऐसा था कि इनकी बोरोइंग बहुत ज्यादा राइज कर गई थी, यानी कि इन्होंने लोन लिया था। अब इनसे जब इन्होंने मैनेजमेंट इस पे बोला तो उन्होंने बोला था कि ये लोन हमने एक्सपेंड करने के लिए लिया है, हम साउथ साउथ और पता नहीं कौन सा उन्होंने शायद बताया था कि हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने लोन लिया, ठीक है, समझ में आता है। फिर एक उनका था कि उनकी कैलकुलेशन ऐसी थी कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर शो नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन उनके नॉन करंट जो असेट थे उसमें ये था कि प्राइमली कंप्राइजिंग एडवांसेस गिवन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज राइजन बाय ₹128 करोड़ एट द एंड ऑफ सितंबर। यानी कि कैलकुलेशन जब हम करते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, तो ऐसा था कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने नहीं किया, लेकिन जब इनके नॉन करंट एसेट में अपने देखते हैं तो वहां पे 128 करोड़ का राइज था, कि 128 करोड़ का इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर रखा था। तो वो पता नहीं वो किसमें किया, कैसे किया, उसका भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी रिसोर्स नहीं है। तो ये अपने उसका थोड़ा थोड़ा अपने आइडिया लग गया था कि कुछ ना कुछ तो इसमें पक रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जो लेटेस्ट न्यूज आई है कि ये तो बहुत ही भाई साहब ब्लंडर ही कर दिया इन्होंने, कि मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो इनके डायरेक्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो इतना बड़ा रैकेट चला रहे थे, यानी कि 40 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने टैक्स इवेजन का उनपे एलिगेशंस है, और जिसपे 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कहाँ। आप इतनी बड़ी कंपनी हो और अगर आपका मैनेजमेंट ऐसा काम करेगा तो वो कंपनी कहाँ से बचेगी सर, मतलब इसपे कुछ ना कुछ तो सेबी को एक्शन लेना चाहिए था। कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही थी जब मई से ही स्टार्ट हो गया था कि डिलोइट ने ऐसा कर दिया, तो कुछ ना कुछ उनको एक्शन लेना स्टार्ट करना चाहिए था, उनको अपनी फोकस रहना चाहिए था कि इस कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसा ब्लंडर कर दिया। उन्होंने इसमें क्या किया, जो स्टेटमेंट आई थी डिपार्टमेंट की वो ये थी कि द सर्चेस अनअर्थेड ह्यूज रैकेट ऑफ क्रिएटिंग फेक डमी यूनिट्स फॉर अवेलिंग फ्रॉडुलेंट क्रेडिट एंड कमिटिंग टैक्स इवेजन ऑफ ₹40 करोड़ एंड इन्वॉल्विंग टर्नओवर ऑफ ₹300 करोड़, ठीक है। बाद में उन्होंने ये बोला कि द कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टिगेशन हैज अनअर्थेड ए नेटवर्क ऑफ मोर देन 30 फेक यूनिट्स लोकेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर यूज फॉर कमिटिंग फ्रॉड बाई अवेलिंग इलीगल क्रेडिट। यानी कि आप इलीगल क्रेडिट लेते हो ना सर, तो ये लगा लो कि इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, सर्कुलर ट्रेडिंग का वीडियो जब हमने कवर किया था तो उसपे था कि अगर आप इलीगल क्रेडिट में इन्वॉल्व हो जाते हो तो इसपे इतनी ह्यूज पेनल्टीज है, इतना बड़ा एक तरीके से ये ऑफेंस है, तो आप उसपे सोच भी नहीं सकते। आप अगर सेक्शन 132 में वहां पे जाके देखोगे तो जीएसटी सीजीएसटी एक्ट में तो सारे उन्होंने बता रखा है क्या पेनल्टीज है, क्या ऑफेंसेस के लिए क्या पेनल्टीज है, तो बहुत ह्यूज पेनल्टीज है, बड़ी बड़ी इंप्रिजनमेंट्स है। तो वहां पे ये यहाँ पे आए तो आप सोच सकते हो कि अभी इसके मैनेजमेंट का क्या होने वाला है। मेरे को नहीं लगता कि कोई कुछ बचने वाला है। ऐसा होगा कि अभी तो जैसे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो 70 रुपए के आसपास शेयर चल रहा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये शेयर 10-15 रुपए पे जाएगा, और बाद में कुछ नहीं कह सकते, कंपनी बंद भी हो सकती है, किसी ने टेक ओवर कर लिया तो कुछ हो जाएगा, वरना तो इसका सारा जो मैनेजमेंट है, किसी ने ये न्यूज मिली थी कि सारा इसका टॉप मैनेजमेंट को अरेस्ट कर लिया गया है, अंडर ज्यूरिडिक्शनल कस्टडी है, और कुछ कुछ बात आ रही थी कि कुछ डायरेक्टर रिजाइन कर दिए हैं। सर अब डायरेक्टर रिजाइन करो, अब कुछ अरेस्ट हो, लेकिन जिसका पैसा जिसका इन्वेस्टमेंट था ना उसका तो कुछ नहीं हो सकता, उसके तो पैसे गए, ठीक है। तो सर ये अपने ने देखा पूरा, तो अभी अपने क्या कंक्लूजन पे आ रहे हैं, मतलब इंडिया में क्या है ना कि जो फैसिलिटीज जो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है ना, वो जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो बहुत सारी बहुत जल्दी अवेलेबल होती है, क्योंकि उन्हीं का मैनेजमेंट के साथ पूरा बातचीत भी होती रहती है, वो प्लांट भी विजिट कर लेते हैं, तो उनको पता रहता है कि इस बिजनेस में क्या चल रहा है, कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है या कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है, तो वो तो अपने शेयर अच्छे प्राइस पे सेल करके निकल जाते हैं।
लेकिन लास्ट में जो कुछ बच जाता है, नो डाउट स्मॉल जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी पता लगता है, लेकिन जब उनको पता लगता है तो इतनी लेट हो चुकी है होती है कि जब वो अपने शेयर सेल करने जाते हैं तो उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, या होती है तो बहुत लॉस उनको बियर करना पड़ता है। तो इसके पीछे है कौन, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? इसमें उन्होंने किया क्या, इसमें उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, उन्होंने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड होने चाहिए थे वो कुछ भी नहीं था, मिस रिपोर्टेड ऑफ फैक्ट्स फैक्ट्स था, मोर क्रिटिकली जो था हेल्ड बैक इंफॉर्मेशन दैट कुड हैव मटेरियल बेयरिंग ऑन इन्वेस्टर, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई नहीं कि इन्वेस्टर को उससे कुछ मतलब मटेरियल मटेरियली उसको फर्क पड़ सकता था, यानी कि इन्वेस्टर के लिए वो इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी था। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन तो एक इन्वेस्टर को पता ही नहीं चल रही थी। तो इसमें हम तो ये कह रहे कि ऑडिटर का तो थोड़ा था ही डिफॉल्ट, लेकिन कुछ हद तक सेबी का भी डिफॉल्ट था। सेबी को क्या करना चाहिए कि सेबी शुड डायरेक्ट ऑडिट फर्म्स एंड कंपनीज टू डिस्क्लोज देयर रिपोर्ट कार्ड ऑन लिस्टेड कंपनीज रेगुलरली, एंड दिस इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक सो दैट इन्वेस्टर कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन ऑन कंपनीज अर्ली ऑन। मतलब अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक से छुपा लोगे तो जब उनके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी तो बहुत लेट हो चुकी होती है। तो उनके सामने इन्फॉर्मेशन टाइमली आना चाहिए, कुछ सेबी को ऐसा करना चाहिए कि उनको ये रिपोर्टिंग करनी है और पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन का पता लगना चाहिए। अपने ने जैसे बात की जब जब लास्ट में कुछ होता है वो स्मॉल शेयर होल्डर रिटेल शेयर होल्डर्स को ही नुकसान होता है। रिटेल शेयर होल्डर आर द लास्ट वन टू नो अबाउट ट्रबल ड्यूरिंग इन कंपनीज एंड हेंस गेट डीपली इंपैक्टेड बाय इवेंट दैट हैव अनफोल्डेड इन द केस ऑफ मनपसंद बेवरेजेस। एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट लीव्स शेयर होल्डर एज वेल एज लेंडर इन द लर्च एज दे वंडर इफ देयर इज एनीथिंग अमिस इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि क्रक्स इस केस से अपने को सारा यही देखने को मिलता है कि सेबी को इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है मार्केट में वो बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप 1 महीने के अंदर आपका शेयर चल रहा है मतलब 450, और 1 महीने के अंदर वो शेयर 100 रुपये 120 रुपये पे आ जाता है, तो मतलब आप कैसे एक अच्छी कंपनी पे बिलीव कर सकते हैं? बाद में आपको पता लगता है कि इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं थे, जो भी डायरेक्टर थे वो कोई ना कोई स्कैम में इन्वॉल्व है कुछ, और अभी तो जीएसटी वाला केस सामने आया है तो सारे टॉप मैनेजमेंट को अरेस्ट कर लिया, तो अभी पता नहीं उसमें क्या होगा। कंपनी को चलाने के लिए कोई वहां पे ऑथोराइज बंदा या ऑथोराइज मैनेजर कोई है भी, या कंपनी चल रही है नहीं चल रही भी डोंट नो, मतलब अभी कुछ पता भी नहीं है। बस अभी तो हमें ये पता है कि जो अभी लोअर सर्किट जो शेयर में लग रहा है वो काफी लंबे टाइम तक लगने वाला है, कम से कम मेरे हिसाब से 15 से 20 रुपए तक पक्का पक्का ये जाएगा। उसके बाद कंपनी में क्या बचता है, क्या कोई इसको टेक ओवर करता है, कुछ नया मैनेजमेंट इसको टेक ओवर करता है तो शायद कुछ इसका हो जाए। अदरवाइज तो एक कंपनी का बस सबसे पॉजिटिव पॉइंट अपने इसमें ये ले सकते हैं कि इसमें डेट फ्री कंपनी थी पहले, अभी थोड़ा बहुत डेट है तो ये कह सकते हैं कि इसमें डेट वाली चीजें तो नहीं है, लेकिन स्टिल अभी इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता नहीं कुछ और निकल के आएगा, तो देखिए अभी क्या पता लगता है। तो मैं तो आपको इसी में यही बोलूंगा कि जब भी आप हो तो प्लीज उनके फाइनेंशियल्स, जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्टेड हो प्लीज आप उनके फाइनेंशियल टाइम टू टाइम देखिए, आप उनके फाइनेंशियल्स को अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, पूरा देखिए कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो अपने को मतलब बना ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट उसके बारे में अपने को दे रही है, तो प्लीज उसके बारे में देखिए, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई करिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव है तो आप अपना शेयर को वहां से सेल करिए और एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कोई दिन ऐसा आएगा कि ये बात बाहर निकलेगी, और जिस दिन बाहर निकलेगी तो उसको उस दिन आपको मौका भी नहीं मिलेगा शेयर सेल करने के लिए। तो आई होप विद दिस इंफॉर्मेशन कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक ही, होप यू एंजॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू।